देखिए सर, होटल के साथ तो फ्रेंड्स बढ़िया लग रही है ना, सिल्वर कलर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में बढ़िया एकदम से झकास ये सुपर मेट्योर 650 मेरे सामने बाइक खड़ी हुई है दोस्तों, बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छी। और मतलब बैठकर अभी देखा ना, लुक्स तो बहुत ही अच्छे कैडे निकल के आ रहे थे। तो इसका यार ऑन रोड प्राइस स्टार्टिंग में जान लो 4,65,000 रुपये का सौदा हो जाता है इस बाइक का ऑन रोड पूरी तरह से कम्प्लीट। कोडिया ऑटो सेल्स रामगढ़ रोड अलीगढ़ की ये प्राइस है, मैं अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ, ये कोडिया ऑटो सेल्स का जो आपका रॉयल एनफील्ड का शोरूम है वहाँ से बात कर रहा हूँ। तो इस प्राइस रेंज में दोस्तों आपको क्या क्या मिल जाता है, इंटरस्टेलर खड़ी हुई मेरे सामने, आपका मिडिल टॉप वेरिएंट कहलाता है ये, उसमें क्या क्या मिल जाता है वो बातें करेंगे इस वीडियो में। तो चाबी से शुरुआत कर लेता हूँ, इतनी महंगी गाड़ी की चाबी कैसी है ये देख लो, कुछ वेव की देखने को मिलती है, सोनी सी रॉयल एनफील्ड का लोगो इस टाइप की, लगा कर दिखाऊँ आपको ये देख लो, एनालॉग एंड डिजिटली इसका मीटर कंसोल देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार सारे फंक्शन इसके अंदर देखने को मिलते हैं, स्पीडोमीटर मिल जाता है, टाइमिंग आएगा, गियर का इंडिकेशन आएगा, फ्यूल का आएगा, और बैटरी का, ABS का, न्यूट्रल का, चेक इंजन का, और आपका जो इंजन ऑयल है उसका भी इंडिकेशन देखने को मिलेगा, टेम्परेचर का भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, और सर्विस रिमाइंडर भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ नेविगेशन के अंदर का भी इसके अंदर देखने को मिलेगा फंक्शन। ये देख लो राउंड शेप में इसके मीटर कंसोल हैं, डबल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। आगे विंडशील्ड यूज़ हुई है, ये देखिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, और ये रहती है पूरी तरह से LED में इसकी हेडलाइट जो कि सिल्वर प्लेट से कवर है, ये देखो राउंड शेप में, और उसका थ्रो दिखा सकता हूँ मैं आपको, वो तो जलाने के बाद दिखाऊंगा, अभी आप वेट करो। ये आ जाते हैं आपके USD फॉक्स सस्पेंशन जो कि शोवा कंपनी के, ये देखो है ना बढ़िया लग रहा है, सस्पेंशन भी काफ़ी चौड़े हैं, सस्पेंशन के ऊपर प्लेसमेंट करिए इसके रिफ्लेक्टर, ये देखो ये बढ़िया लग रहे हैं। और जो उसके ये है आपके इंडिकेटर, इसमें आ जाता है हजार्ड ऑप्शन, हजार्ड ऑप्शन जलने के बाद कुछ इस टाइप से है, और जो इंडिकेटर से हैं आपको हेलोजन में ही नॉन फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। फेंडर भाई साहब वही है, फेंडर तो यार उसका कोई किसका है, मेटल का फेंडर है, ये देखो इसका जो मदगार्ड है जो कि फिक्स है अच्छी तरह से रॉड वगैरह से, और नीचे का जो टायर सेटअप है अलॉय व्हील में देखने को मिलता है, टायर जो है भाई साहब देखो C8 के टायर यूज हुए, टायर का साइज 100/90 और 19 इंच का व्हील के साइज के साथ के व्हील जो आता है 19 इंच का देखने को मिलता है इसका टायर का, बाइबरी के डिस्प्लेस ब्रेक यूज हुए हैं, जो डिस्क ब्रेक का साइज है वो 320 mm का आपको डिस्क ब्रेक साइज देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर, ये देख लो, और डुअल चैनल ABS में ये गाड़ी देखने को मिलती है, टायर की ग्रिपिंग देखो काफी बढ़िया है यार, ये सस्पेंशन देखो मतलब हर एंगल से बढ़िया लग रही है गाड़ी। इंजन की तरफ रुख कर लो, इंजन देख लो आपको लिक्विड कूल इसके अंदर इंजन देखने को मिलता है, 650 cc का दमदार इंजन देखने को मिलता है इसके अंदर, और 46.3 PS की पावर एंड 52.3 Nm का टॉर्क के साथ ये इंजन आपको देखने को मिलेगा। अभी साउंड भी सुनाऊंगा बहुत ही बढ़िया, और प्लेसमेंट देखो बैठने की, ये मैं बैठ गया, आगे पैर रखे जाएंगे इसमें, ये आपके ब्रेक्स हो गए है ना, इधर आगे गियर गाड़ी में 6 देखने को मिलेंगे, 1 down 5 5 up, और काफ़ी बढ़िया पोस्चर हो जाता है, मतलब जब आप बैठ के निकलोगे ना गाड़ी तो लगने वाली है। राउंड शेप में इसके मिरर्स जो कि क्रोम में है बढ़िया, लीवर्स देखो कितने ही बढ़िया लीवर देखने को मिलते हैं ये, और ये थॉटल जो कि बार हैंड है आपको सिल्वर कलर का बार हैंड ये, और बटन्स में क्या क्या देखने को मिलता है, ये इंजन के लिए यहीं से गाड़ी स्टार्ट होगी, हजार्ड ऑप्शन, यहाँ से गाड़ी आपके चारों इंडिकेटर बंद भी हो सकते हैं और चालू भी हो सकते हैं, और हैंडल कुछ इस टाइप का चौड़ा, और ये आ जाता है आपका हाई बीम लो बीम, इसी के अंदर पासिंग का स्विच दिया गया है, ये इंडिकेटर, ये हॉर्न सिंगल काफ़ी बढ़िया यूज़ हुआ है, पीछे आपको मीटर कंसोल को ऑपरेट करने के लिए यहाँ बटन दिया गया है ये भी देख सकते हो, और ये आ जाता है एडजस्टेबल ब्रेकिंग लीवर्स, और एडजस्ट कर सकते हो इन लीवर्स को यहाँ से बटन से, ये देखो ये भी बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और थॉटल काफ़ी कंफर्टेबल है, और छूकर जिस तरह से देख रहा हूँ ग्रिपिंग काफ़ी बढ़िया मिल जाती है इसके थॉटल की, ये देख लो, और ये आ जाता है इसका लेग गार्ड जो कि काफ़ी मजबूत यूज़ हुआ है, और एक खासियत और बता दूँ, ब्रेकिंग लीवर इतने कंफर्टेबल है, जो ये आपका गियर लीवर इतने कंफर्टेबल है, ये देख लो मतलब एड़ी से भी डाल सकते हो और पंजे से भी, देखो ये इस टाइप का है, फोल्डेबल आपके फुटरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, और इसमें साइलेंसर जो है वो 2 साइलेंसर देखने को मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर, ये देख लो क्रोम की फिनिशिंग के 2 साइलेंसर, ये है ना,
क्रोम की फिनिशिंग के टू साइलेंसर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और पीछे के जो सस्पेंशन है आपको भाई साहब ट्विन शॉक 101 ट्रैवल प्री लोड एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको देखने को मिलेंगे। ये देख लो पीछे का जो डिस्क ब्रेक है आपको 300 mm का देखने को मिलेगा जो कि वाइब्रिक है, डुअल चैनल ABS में गाड़ी देखने को मिलती है। बैक प्रोफाइल आपको LED में देखने को मिलेगी, ये देखो बढ़िया लग रही है ना, बढ़िया लग रही है ना। और वही नॉन फ्लैक्सिबल इसके इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट को विजिबल करने के लिए यहाँ पर लाइट दी गई है, यह नंबर प्लेट लगेगी। और कॉडी ऑटो सेल्स रामगढ़ रोड अलीगढ़ का यहाँ था स्टीकर, ये रिफ्लेक्टर एक ही प्लेस हुआ है। और जो टायर है, टायर में बताऊँ आपको 150/80/B16 का टायर देखने को मिलता है जो कि अलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर है। देखो चौड़ा कितना है, पास से देखो काफ़ी चौड़ा टायर देखने को मिलता है, मतलब मेरे पूरे हाथ के बराबर आ रहा है इसका टायर, ये देखो। यहाँ पर देख लो दोस्तों, यहाँ पर आ जाती है आपका साड़ी गार्ड, अगर फीमेल्स वगैरह भी बैठे तो कपड़ा वगैरह ना जाए, वो सेफ्टी के पर्पज से ही आ जाते हैं। ये भी बढ़िया लग रहा है। सीट स्प्लिट में देखने को मिलेगी, पीछे कोई ग्रैब हैंडल और सपोर्ट, बैक सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा इसकी सीट में। और स्प्लिट में देखने को मिलेगी कंफर्टेबल काफ़ी है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट लगाया गया, नहीं कि कुछ चीज़ फंसा वगैरह सकते हो आप यहाँ पर। और जो आपका फ्यूल टैंक है दोस्तों, इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा फ्यूल टैंक के ऊपर, रॉयल एनफील्ड का ये लोगो देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक स्टीकर और E20 में गाड़ी देखने को मिलती है। तेल जो पड़ेगा दोस्तों 15.7 लीटर के अंदर तेल पड़ेगा, और माइलेज 25 तक का ये माइलेज आपको गाड़ी निकाल देगी। ये जो गाड़ी खड़ी है आपका मिडिल टॉप वेरिएंट खड़ा है डुअल टोन में सिल्वर और ब्लैक कलर का, तो इसका जो कर्व वेट है दोस्तों वो 241 किलो का टोटल ये गाड़ी देखने को मिलती है। और इसकी जो सीट हाइट है वो आपको 740 mm की यानी कि 740 mm की देखने को मिलती है, यानी किसी भी हाइट का बंदा इसको आराम से चला पाएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस इसका 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, ये ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm का देखने को मिलता है। तो दोस्तों 4,65,000 रुपये की गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगी, अगर इच्छुक हैं तो यार विजिट करें। और बाकी तो सौदा बढ़िया है, अच्छी लग रही है। तो इसकी एग्जॉस्ट नोट सुन लो, कैसी एग्जॉस्ट नोट निकालती है गाड़ी ये सुन लो। देखिए सर, थ्रॉटल के साथ तो दोस्तों एग्जॉस्ट नॉट भी बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी साउंड निकाल रही है दोस्तों ये गाड़ी। तो कैसी लगा रिव्यू, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।